देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव ने अपनी सेना का ऐलान जैसे ही किया है, तैसे ही पूरे क्षेत्र में जितने भी उनके सेना के लोग हैं वो पूरी तैयारी के साथ अब खड़े नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग हमारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में है, मुफस्सिल मंडल के जो अध्यक्ष बने हरीश चंद्र सिंह जी के साथ हम लोग इस समय है, जहाँ पे कार्यकर्ता उनके आवास पे आए हैं, उनको अंग वस्त्र और फूल माला देकर स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाए, क्योंकि भरत यादव ने अपनी सेना में आपका सिलेक्शन कर लिया है और इस क्षेत्र में लोगों में खुशी का लहर है। लेकिन हमारे साथ इस समय सिंह साहब हैं, इनसे जानते हैं कितनी प्रसन्नता हो रही है कि पार्टी ने यह जगह आपको मुहैया कराया। मुझे तो सबसे पहले अपने आप में गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ, बोकारो के विकास पुरुष और युवाओं के हृदय सम्राट बड़े भाई बिरिंची नारायण जी को दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हमारे मंडल के प्रभारी, मंडल के हमारे सभी जितने भी कर्तव्यनिष्ठ हमारे साथी रहे, सबको मैं बहुत बहुत। अच्छा सिंह साहब, एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अध्यक्ष जो भी रहे हों, जिस पार्टी के रहे हों, जब भी बड़ा मुद्दा होता है वो दाब दिया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रो स्टील है, ओवरलोडिंग का मामला हो, कोयला का मामला हो, बड़ा बड़ा मुद्दा होता है, पार्टी के नेता कुछ ना कुछ लेकर चुप बैठ जाया करते हैं। तो ज़रूर आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, ये खामोशी पैसे चुप करा दिया करती है कि मजबूरी में चुप होते हैं लोग? ये तो सबका अलग अलग नज़रिया है, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से विशुद्ध रूप से हम लोग का ऊपर से नीचे तक देखिएगा तो बहुत ईमानदारी पार्टी है। आप जानते हैं कि सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता जो हैं हमारे आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ऐसे ही उनके सब कायल नहीं है। यहाँ से मैं जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है, साफ साफ तौर पर आपके अध्यक्ष बनने के बाद इन क्षेत्रों में जो मुद्दा है, जो दाब दिया जाता है, वो मुद्दा दबा रहेगा कि आप जिला अध्यक्ष तक पहुँचाएंगे? निश्चित तौर पर जो भी मेरे सामने प्रश्न लाए जाएंगे उसको बहुत पुरजोर तरीके से मैं अपने सांसद महोदय, अपने विधायक महोदय और जिला अध्यक्ष महोदय के सामने सब चीज़ों को उठाऊंगा और जो भी जन समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास। आप इस मंडल में महामंत्री भी रहे हैं, क्या रहा पाँच साल तक, ऐसी कौन सी ऐसा काम था जो अध्यक्ष जी नहीं कर पाते थे और आपको टीस रह जाती थी कि अगर मैं अध्यक्ष रहता तो ये काम करता और पहली प्राथमिकता में करता? ऐसी बात नहीं, हमारे जो पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे सुजीत चक्रवर्ती जी, उन्होंने भी चार साल कार्यकाल बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने पूरा टीम वर्क के साथ काम किया, ऐसी कोई टीस नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी योजना है कि हमारे जब बोकारो के विधायक जी पहली बार जब चुनाव में इस विधानसभा में आए तो चास मुफस्सिल मंडल का हमारा सबसे पहला जो नारा था वो पहला नारा था कि हर घर में पानी कैसे पहुँचे। इस पर विधायक जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पुपुन की पेयजल पानी योजना जो स्वीकृत कर दी और बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत जगह जो है पानी का टंकी बन रहा है और बहुत जल्द हर प्यासे को हर घर में पानी मिलेगा। सिंह साहब, पानी और जवानी दोनों प्रॉब्लम है चास बोकारो में, पानी की समस्या आपने कर दिया, लेकिन जो लोग लॉकडाउन में रिटर्न अपने गांव चले आए हैं वो जवान, तो उनकी नौकरी और उनको रोजगार के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये तो अब राज्य में आप जान रहे हैं कि मोदी जी ने किस तरह हम लोग सेना के रूप में हर गांव में किस तरह काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पीटीएस दुकान में अभी हर जगह जाइए तो आपको पता चलेगा कि चावल के साथ साथ आजकल चना, दाल, चना, ये सब चीज़ें मुहैया हो रही है। हम लोगों का, भाजपा का एक ही नारा है कि प्यासे को पानी और भूखे को राशन उपलब्ध कैसे करा जाए, ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका पूरा निर्वाह करूँगा।
तो सुना आपने ये सिंह साहब हैं जो मुफस्सिल मंडल के अध्यक्ष बने हैं, हमने पहले ही आपको बताया था जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव बन के आए थे तो हम लोगों ने भरत यादव से पूछा था कि क्या इस बार जो सेना का चयन होगा वो पुराने लोगों का होगा कि नए लोगों को भी चांस मिलेगा। लेकिन भरत यादव ने अपनी लिस्ट में नए लोगों को चांस देकर यह बताने का काम कर दिया है कि इस बार जिले में जितने पुराने लोग थे जो महामंत्री थे मंत्री थे उन्हें अध्यक्ष बनाकर यह बताने का भारतीय जनता पार्टी में यह मैसेज देने का काम किया है कि कार्यकर्ता अब तैयार हो जाए, ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेता हैं वो उनके लिए भी जरूर काम करेंगे। इन क्षेत्रों में लगातार पानी और रोजगार की समस्या रहती है, इसीलिए मैंने सिंह साहब से पूछा कि रोजगार के लिए क्या करेंगे और इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो नौजवान वापस लौट के आए हैं उनके रोजगार के लिए क्या करेंगे। लेकिन सिंह साहब ने विभागी से कहा है कि हिमांशु जी जो भी इन क्षेत्र में कोयला हो, लोहा हो, इलेक्ट्रो स्टील का मुद्दा हो या पानी हो या जवानी हो, हर चीज का मुद्दा हम अपने माननीय विधायक सांसद और जिला अध्यक्ष को बताएंगे और समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब प्रयास इनका कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रेम आर्या के साथ जीप हिमांशु मुफस्सिल मंडल चास। हम्म।